दिखेगा। हेलो एवरीवन, अभी मैं एक जंगल वाला नर्सरी में आया हूँ। वो देखो, वो जो दिख रहा होगा रेल की पटरी है वहाँ पे, और यहाँ से साइड में नर्सरी है जी। ये देखो, ये पहली नर्सरी, ये हमारी वाहन और ये पूरा, और ये हमारे ड्राइवर छो, और ये पूरा पीछे तक जो है वो वहाँ तक नर्सरी है। आपको दिख रहा होगा वो पोली हाउस है, छोटा सा पोली हाउस। तो चलिए एक एक करके कुछ प्लांट्स को देखते हैं धीरे धीरे। ओके, सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कृपा नर्सरी टूर का दोनों पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप जाके जरूर उस वीडियो को देखो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और नर्सरी का बॉन्जाई से लेके सकुलेंट से लेके इंडोर के सारे वैरायटी जो कि कृपा में अभी नया नया प्लांट्स एडिशनल है वो सारे आपको कवर कर लिया है। ओके, तो ये दोनों पार्ट आपको डेफिनेटली देखना चाहिए अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते वीडियो को। सो गाइज, वैसे नर्सरी जो सोलापुर सड़क के किनारे है, आप इजीली चले जाओगे और वहाँ से प्लांट खरीद सकते हो। लेकिन वैसे नर्सरी जो अंदर बसा हुआ है, खासकर इस नर्सरी की बात करूँ तो ये पूरा अंदर बसा हुआ है, जिसका लोकेशन शायद किसी किसी को पता होगा। पुणे में जो कंटिन्यूस रहते हैं शायद उनको भी पता ना हो, लेकिन हम लोग जैसे नर्सरी पर कंटिन्यू जाते रहते हैं तो हमको पता है। तो वीडियो के लास्ट में मैं इनका आपको लोकेशन तो नहीं लेकिन इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। ओके, आप वहां से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ, अब मैं बात कर लूँ कि स्पेशलिटी इन नर्सरी की क्या है। पहले तो आपको यहाँ पे देसी गुलाब जो होता है अपना ओरिजिनल देसी, वो आपको अच्छी क्वालिटी में और अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे इफ़ यू वॉन्ट होल सेल। और आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल भी कुछ प्रोवाइड शायद करते हैं, आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। ओके, लेकिन होलसेल में ये सप्लाई करते हो, और गुलाब में देसी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। देसी की और कश्मीरी, यही दो बनाते ही हैं जो कि अच्छे क्वालिटी में बनाते हैं। बात करूँ तो इनका एक्सपीरियंस जो है देसी गुलाब और कश्मीरी बनाने का एक्सपीरियंस अच्छा है, दैट्स वाई ये प्लांट जो बूसी बना लेते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बना लेते हैं। ओके, चलिए अब दूसरे प्लांट को देखते हैं, कुछ हैंगिंग देखते हैं और कुछ अच्छे अच्छे प्लांट देखते हैं जो एडिशनल प्लांट में इनके यहाँ आपको मिल जाएगा। स्पेशलाइज तो ये हो गया, प्लस आपको अगर हैंगिंग में फ्लावर की डिमांड होती है तो हैंगिंग में आपको यहाँ मैं आपको करीब 10 टाइप के हैंगिंग प्लांट दिखाऊँगा। पहला ये हो गया, मैं नाम नहीं बता सकता इसका, कुछ अलग नाम होगा, डिस्प्ले के नीचे मैं कोशिश करूँगा, आप देख लेंगे, मुझे नाम पता नहीं, जो है वो बता दिया मैं। ओके, देख सकते हो हैंगिंग में ये बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये प्लांट अगर आपको बूसी प्लांट की डिमांड होती है, जैसे देख सकते हो पूरा बूसी है, जितना भी रखा हुआ है सारा बूसी है, पूरा भरा हुआ है, और ये तो इसके पत्ते में ही लगता है फ्लावर ब्लूम है, बट दिस इज नॉट अ फ्लावर। हाँ, ये चीनी गुलाब तो फ्लावर होता ही है। फिर ये दूसरा, आप जजमेंट कर सकते हो कि अलग अलग टाइप का इतना हैंगिंग वैरायटी आपको बड़े नर्सरी में भी नहीं मिलते हैं जो इनके पास है और हमेशा होते हैं। ये वीडियो करीब 10 दिन पहले का है जो मैंने शूट किया था, लेकिन अभी भी इनके पास ये प्लांट्स अवेलेबल है। मैं आगे आपको नंबर देता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल देता हूँ, आप सर्च करके बात करके पूछ सकते हैं, उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं नर्सरी पे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा बात मुझे लगा कि जिस नर्सरी में ज़्यादा थोड़ा कम कस्टमर होते हैं वहाँ प्लांट्स की डिमांड कम होती है, तो मेंटेन करने का टाइम ज़्यादा मिलता है, तो वही प्रॉब्लम इनके साथ होता है। इनका जो भी प्लांट है सब वेल मेंटेन प्लांट है। आपको चलिए मैं सेवंती की हालत दिखाता हूँ। सेवंती कुछ खास ब्लूम तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्वालिटी में बेस्ट हमको लगा। यहाँ ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ भरती है, कॉन्टैक्ट बेस पे होता है और डायरेक्ट गाड़ी आती है और 100-100 हज़ार हज़ार प्लांट एक बार में लोड होता है।
तगर की बात करूँ तो एडिशनल प्लांट में आपको साइड में भी कुछ नर्सरी है, तो उसके बाजू वाली नर्सरी में आपको तगर के वेराइटीज़ मिल जाएंगे, सिंगोनियम वगैरह या छोटे प्लांट जो होते हैं जेड वगैरह, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ। जैसे इस साइड में मैंने एक नर्सरी का आपको वीडियो शेयर किया, लेकिन इस साइड में 4-5 नर्सरीज है। अगर आप यहाँ विजिट कर जाते हो तो यहाँ आपको ऑल भी टाइप का प्लांट मिल जाएगा। जैसे आउटडोर में अगर फ्लावर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 90% प्लांट आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। क्वालिटी आप देख भी सकते हो, वीडियो देखने से यही फ़ायदा होता है कि आपको क्वालिटी नज़र आ जाता है। कुंदा का प्लांट है और क्वालिटी देख सकते हो कितना फ्लावर पूरा भरा हुआ है। ये जस्ट रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड ही नर्सरी है, मुझे मतलब काफ़ी अंदर आना पड़ता है आपको। लोग बार बार मुझे कहते थे कि ना लोकेशन शेयर करता है, ना कोई नंबर, ना कॉन्टैक्ट डिटेल, लेकिन इस बार मैंने कोशिश किया है। देखो इसके नर्सरी के बाजू में अल्ट्राटेक, जानते हो कंपनी कोई भी वो जंगल में जाके बसती है, वो अपना फैक्ट्री बनाती है, वैसे ही अल्ट्राटेक की जो फैक्ट्री है सीमेंट की, वो आपको उसी के साइड में, अगर आप लोकेशन पे डालेंगे ना अल्ट्राटेक सोलापुर वाले इस तरीके से करके कुछ, तो आपको वो लोकेशन भी आपको इस नर्सरी तक पहुँचा सकता है, लेकिन वो रास्ता अलग है और ये रास्ता अलग है, सो यू कैन कॉल टू बेटर। ओके चलिए, अब मैं आपको उनका थोड़ा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे दूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए हम चलते हैं डायरेक्टली उनके फ्लैग बोर्ड पे। ये देख सकते हो मैंने जूम करके आपको दिखाया है, जय माँ ऐसा कुछ करके है, वो दूसरा नर्सरी था, लेकिन मानस रोज नर्सरी नाम है कंपनी का या शॉप का, और ऊपर से बराबर आपको नंबर दिया हुआ है। हर नर्सरी में मुझे एक ये कुआं बना दिखता है जिसमें पानी स्टोर करते हैं नर्सरी वाले, और जब भी ज़रूरत होती है तो इसको यूज करते हैं फॉर वाटरिंग इन अप लाइन। ओके मोटिवेट कर सकते हो कि हम वीडियो और बनाएं, ऐसे करने से मैं पुणे की हर एक नर्सरी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ओके टेक केयर, बाय।